हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? यस, आई एम बैक योर EVS टीचर. सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग योर वर्क ऑन टाइम एंड लर्निंग इट प्रॉपरली. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, विच चैप्टर वी वर डूइंग? वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 4, इट्स टाइम टू रिलैक्स. एंड दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. In this chapter, we have completed about games, sports, fun activities with family or family outings. All we have discussed, mainly we have discussed recreational activities, right? Recreational activities kya hoti hain? The activities which we do to have fun, all right, or to get us relaxed. तो रिलैक्स हम कैसे हो सकते हैं, फ़न कैसे कर सकते हैं? बाय प्लेइंग गेम्स और स्पोर्ट्स, बाय स्पेंडिंग टाइम ऑन फैमिली फंक्शंस और ऑन फैमिली आउटिंग्स. ऑलराइट, दिस वी कैन डू टू गेट रिलैक्स. ओके एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बैक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. This part you have to do in your books. Okay, everyone? So now, first, here in this question, there are three options in each and every question. Har question mein three options hain. You have to mark the correct option. All right? First is playing together helps you in. Okay? Jab aap ek saath play karte ho with your friends, एक टीम बना के, राइट, तो क्या होता है? व्हाट यू विल गेट, उससे क्या बेनिफिट होता है व्हेन यू प्ले आउटडोर गेम्स विद योर फ्रेंड्स एज अ टीम? तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स? मेकिंग फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, राइट. डेवलपिंग टीम स्पिरिट, आप एक टीम की तरह वर्क करते हो, राइट, करते हो ना एक टीम की तरह. आप डिस्कशन करते हो दैट हाउ वी विल विन और हाउ वी हैव टू प्ले टू गेट विन, राइट. तो उससे बोलते हैं टीम स्पिरिट. ऑलराइट, सो दीज बोथ थिंग्स वी गेट बाय प्लेइंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स. ओके, सो हियर आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज मीन्स दीज बोथ आंसर्स. ओके एवरीवन, नाउ kite flying is common on, we discussed about kite flying, right, in a sport we discussed about kite flying, right. Hum kites ko fly karte hain when, on 15th August, right, Independence Day, 15th August. Okay everyone, and there we have competition of kite flying. Kite flying ka competition bhi hota hai jisme hame manja cut karna hota hai, right. तो वो कब होता है? ऑन इंडिपेंडेंस डे. नाउ नेक्स्ट इज एट अ सर्कस वी गेट अ चांस टू वॉच. सर्कस में व्हाट वी कैन सी? सर्कस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ट्रेपीज एक्ट्स, राइट. ट्रेपीज एक्ट्स मिलते हैं देखने के लिए. आई एक्सप्लेन्ड यू कि दो ऐसे स्टिक्स होते हैं वायर से कनेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पर टू गर्ल्स होती हैं जो इस पर आराम से स्विंग करती हैं एंड अपनी पोजीशंस चेंज करती हैं, राइट. हमने देखा था ये चीज़ सर्कस वाले पेज पर. सो ट्रेपीज एक्ट्स देखने को मिलता है. एक्रोबेटिक्स, मैंने आपको बताया था, एक हुप, एक प्लास्टिक सर्कल जिसको हम बैलेंस करते हैं अपनी वेस्ट पर एंड वो उस पर अपने एक्ट्स दिखाते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस देती हैं जो गर्ल्स, उसे बोलते हैं हम एक्रोबेटिक्स. ओके, right, you want to see again? Okay, let's see. You can see here ki these two girls are doing acts on these sticks. This is called trapeze acts. Okay, and this girl is doing something on hoop. Ek circular hoop hai uske paas and uske upar wo apne acts kar rahi hai, right. This is called acrobats. Okay everyone, understood? So these two things we get to know in this, in circus. Circus में हमें दो चीज़ देखने को मिलती हैं. All right? So
ट्रैपीज एक्ट्स एंड एक्रोबेटिक्स दोनों ही मिलता है, तो ऑल ऑफ दीज. ऑल राइट, नाउ पिट्टू एंड ब्लैंक इज हियर वर वेरी पॉपुलर इन अवर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम. तो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर कौन से गेम्स पॉपुलर थे? पिट्ठू एंड गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा एक्सप्लेन यू कि एक डंडा होता है, एक स्टिक होती है एंड एक छोटी सी गिल्ली होती है, राइट? उससे वो लोग खेलते हैं, लाइक क्रिकेट, क्रिकेट की तरह ही होता है ये भी. ओके एवरीवन, सो पिट्ठू एंड गिल्ली डंडा. नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. अब आपको रीजंस देखने हैं, ठीक है? किस चीज़ के रीजंस? लेट्स सी. चिल्ड्रन लव टू प्ले. तो एज यू आर चिल्ड्रन, तो यू कैन टेल मी वाई यू लव टू प्ले, राइट? वाई यू लव टू प्ले, चिल्ड्रन को प्ले करना अच्छा क्यों लगता है? बिकॉज दे इन्जॉय अ लॉट एंड हैव फन विद देयर फ्रेंड्स. बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं एंड फ्रेंड्स के साथ फन करते हैं, मस्ती करते हैं, राइट? एज यू ऑल डू. सो आप सबको पता होगा दैट वाई यू लव टू प्ले, बिकॉज आपको इन्जॉय करने को मिलता है और मस्ती करने को मिलती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स. नाउ वेन एवर वी प्ले गेम्स तो वी शुड फॉलो सम रूल्स. वाई, वाई वी शुड फॉलो सम रूल्स, वॉट इज द रीज़न? सो दैट गेम्स कुड बी प्लेड ऑनेस्टली विदाउट एनी फाइट्स. ओके, तो गेम्स जो हैं हम ऑनेस्टली प्ले करें, ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करें, एंड अगर चीटिंग नहीं करेंगे तो फाइट्स भी नहीं होंगी. ऑलराइट, तो रूल्स जब भी हम फॉलो करते हैं तो कोई भी चीटिंग नहीं कर पाता और फाइट्स नहीं होती हैं, राइट? एंड फाइट्स नहीं होंगी तो हम अब्यूजिव लैंग्वेज भी नहीं यूज़ करते, दैट इज़ बैड. ओके, सो वी शुड फॉलो रूल्स सो दैट गेम जो है वो ऑनेस्टली हो पाए. ऑलराइट, वी शुड फर्स्ट फिनिश अवर स्टडीज एंड देन प्ले. हमें अपनी, फर्स्टली हमें अपनी स्टडीज़ को फिनिश करना चाहिए एंड देन वी शुड गो टू प्ले. वाई, ऐसा क्यों बोलते हैं? अदरवाइज अवर स्टडीज़ विल गेट डिस्टर्ब. अगर हम प्ले करते रहेंगे, स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे, होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, सिर्फ गेम्स ही खेलते रहेंगे, तो फिर हमारी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी, राइट? आपके पास बहुत सारा वर्कलोड हो जाएगा, सारा काम आपका पेंडिंग हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है? तो फर्स्ट यू शुड फिनिश योर स्टडीज़ एंड देन यू कैन गो टू प्ले. ऑलराइट एवरीवन, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ. ओके, हियर यू हैव टू गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज गेम्स. सो दिस यू कैन डू ऑन योर ओन, बट आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट सी टू इंडोर गेम्स. Indoor games are those games which you play inside your house. Okay, they are known as indoor games. जो आप अंदर खेलते हो, right? So, one is Ludo and second is chess. और जो भी आप play करते हो, वो आप इधर लिख सकते हो. Second is two outdoor games. The games which you play outside your house. जो आप बाहर play करते हो अपने friends के साथ, right? So, its examples are cricket and football. और जो भी गेम आप प्ले कर सकते हो, यू कैन राइट हियर. योर प्ले टाइम, दिस योर प्ले टाइम एंड योर स्टडी टाइम विल बी योर होमवर्क. दैट आपका प्ले टाइम कौन सा है और आपका स्टडी टाइम कौन सा है. ओके, योर प्ले टाइम शुड बी इवनिंग टाइम एंड योर स्टडी टाइम शुड बी बिफोर योर प्ले टाइम. ओके, सो दीज टू यू हैव टू डू ऑन योर ओन एंड हेयर इन दीज टू यू कैन राइट योर एग्जाम्पल्स. All right, so let's go to the next question. Next, answer the following questions. So what are the answers? Let's see. What is recreation? Recreation, मैंने अभी starting में ही आपको explain किया that doing something to relax and have fun is called recreation. ठीक है, रिलैक्स होने के लिए और फन के लिए हम जो भी चीज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं रिक्रिएशन. वॉट एवर यू कैन डू, यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन डांस, यू कैन सिंग, यू कैन आर्ट एंड क्राफ्ट, यू कैन गो आउट फॉर हैव फन,
ठीक है. सो वॉट एवर यू कैन डू टू रिलैक्स एंड हैव फन, बट दैट एक्टिविटी विल बी नोन एज रिक्रिएशन. ठीक है. नेम टू मीन्स ऑफ रिक्रिएशन यू लाइक द मोस्ट. अब एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बतानी है कि आप फन के लिए क्या क्या कर सकते हो. सो दिस पार्ट यू हैव टू डू, बट आई हैव रिटर्न हियर गेम्स एंड वेकेशंस. ठीक है, बिकॉज आई लाइक गेम्स एंड वेकेशंस टू रिलैक्स एंड हैव फन. ठीक है. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिससे हम रिलैक्स होते हैं और फन करते हैं, राइट. तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स गेम्स एंड वेकेशंस, बट अकॉर्डिंग टू यू इट कैन डिफर. ठीक है, चेंज हो सकती हैं. तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, रिलैक्स होने के लिए और फन करने के लिए, वो आप इधर लिख सकते हो. ओके एवरीवन. नेक्स्ट, हाउ आर टुडेज सर्कस शोज डिफरेंट फ्रॉम द शोज ऑफ द पास्ट. आज की डेट में इफ़ आई टॉक अबाउट टुडे, तो सर्कस आर डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट सर्कस, जो पहले सर्कस होते थे, राइट, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर. एंड अगर मैं आज की बात करूँ, टुडे सर्कसेस आर डिफरेंट, सर्कस डिफरेंट हो गए हैं. व्हाई, व्हाट इज़ द डिफरेंस, पहले के सर्कस में और अभी के सर्कस में क्या डिफरेंस है. अर्लियर एनिमल्स वर यूज्ड फॉर परफॉर्मेंसेस. पहले हम किन को यूज़ करते थे, एनिमल्स को यूज़ करते थे परफॉर्मेंसेस के लिए, राइट. पहले हम क्या करते थे, एनिमल्स को यूज़ करते थे परफॉर्मेंसेस के लिए सर्कस में. बट नाउ एनिमल्स आर बैंड इन मैनी कंट्रीज. बट नाउ एनिमल्स आर बैंड, अब एनिमल्स को बैंड कर दिया गया. बैंड का मीनिंग मैंने बताया था कि अब कोई भी एनिमल्स को यूज़ नहीं कर सकता सर्कस में. क्यों नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि पहले जब एनिमल्स यूज़ करते थे तो उनके साथ सब लोग बैड बिहेवियर करते थे, जो ओनर होते थे सर्कस के वो बैड बिहेवियर करते थे, राइट. तो अब एनिमल्स को बैन कर दिया है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री, सारी कंट्रीज़ में ही बैन कर दिया है कि आप एनिमल्स को यूज़ नहीं कर सकते सर्कस के लिए. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस. नेक्स्ट, हु इंश्योर्स दैट द रूल्स आर फॉलोड इन अ गेम. अब व्हेन यू प्ले अ गेम, तो गेम में चीटिंग नहीं हो रही, सब लोग गेम्स के रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कौन देखता है, हु सी दैट, हु वॉच दैट, रेफरीज और एम्पायर्स. कौन देखता है, वो रेफरीज और एम्पायर्स. ओके, राइट टू थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू वाइल प्लेइंग गेम्स. नाउ यू हैव टू राइट टू थिंग्स विच यू शुड नॉट डू, जो आपको नहीं करनी है गेम्स प्ले करते टाइम. ओके, वी शुड नॉट चीट एंड फाइट, वी शुड फॉलो ऑल द गेम्स. ठीक है, हमें वी शुड फॉलो रूल्स ऑफ ऑल द गेम्स, हमें सबके रूल्स फॉलो करने चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए और फाइट नहीं करनी चाहिए. ओके, वाइल प्लेइंग गेम्स. ऑल राइट एवरीवन. व्हाट डज अ फेयर कंप्राइज, अब फेयर में क्या क्या होता है, व्हाट डज अ फेयर कंप्राइज मींस फेयर में क्या क्या होता है. फेयर कंप्राइजेज ऑफ जॉय राइड्स, जॉय राइड्स होते हैं, राइट, एज आई एक्सप्लेन्ड कि जायंट व्हील होता है, राइड, एंड मैरी गो राउंड होता है, हॉर्स राइडिंग होती हैं, तो ऐसे बहुत सारी राइड्स होती हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो, तो जॉय राइड्स. ओके, गेम्स होते हैं प्ले करने के लिए, एंड स्टॉल्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड. ठीक है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप का फूड मिलता है, एंड वी इंजॉय टू ईट दैम. ठीक है, वी लाइक टू ईट दैम. ऑल राइट एवरी वन, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. वी हैव कम्प्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. All right everyone, so now I am going to tell you which you have to do in your books and which you have to do in your notebooks. As you can see, this you have to do in your books. मैंने starting में बताया था, ये आपको books में करना है, ये आपको notebooks में करना है, notebooks. Okay? This again you have to do in your books. This you have to do in your notebooks. NB लिख रही हूँ मैं. ओके, आई एम राइटिंग NB. N is note, B is book. Notebook. Okay, this also you have to do in your notebooks.
So this is your chapter number 4 is completed. In next video, we will start chapter number 5. Till then, bye-bye. Take care, everyone.